बैठक में सांसद, भाजपा विधायकों और कांग्रेस के मंत्री के बीच माइनिंग फंड खर्च कराने को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। विधायकों ने विधानसभा बाहर माइनिंग फंड खर्च करने की मांग कर रहे थे, लेकिन मंत्री विधायकों के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी, जिसको लेकर भाजपा सांसद और विधायक ने बैठक का बहिष्कार करते हुए नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही माइनिंग फंड को हाईकोर्ट तक ले जाने की बात कहते हुए हो रहे रेत के अवैध उत्खनन पर जिला प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उसको खर्च करने के और जैसा कि न्यास का नियम है, हमारी मंत्री और कलेक्टर सभी के प्रस्ताव लेकर विभाग से प्रस्ताव लेते हैं, हम हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, इनसे प्रस्ताव लेते हैं और यहाँ तक कि जो पुलिस प्रभावित क्षेत्र है वहाँ आम जनता से भी प्रस्ताव लेकर काम कराते हैं। तो इस तरह से काम कराने का जो उसमें गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के खिलाफ हमारे सामान्य विधायक चाहते हैं कि हमारा हिस्सा पहले से तय हो जाए तो पूरी तरह हिस्सा मतलब विधानसभा बाहर, ये खरीद विभाग का जो पैसा है उसको डीमैप करते हैं, ये पैसा कोई विभाग बार बांटने का नियम नहीं है, उसमें गाइडलाइन में है जो खरीद प्रभावित क्षेत्र है वहाँ की जनता है उस प्रभावित क्षेत्र में राशि खर्च कर रहे हैं। मंत्री जी, तेवर गर्म नहीं है, हम लोगों ने एक वाजिब बात कही माइनिंग फंड के बारे में। हमने कहा कि भाई चार विधानसभा क्षेत्र हैं, चारों जगह की जनसंख्या के आधार पर उस फंड का बंटवारा कर लिया जाए और माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, उस जिला पंचायत के सदस्यगण, जनपद पंचायत के सबसे हम प्रस्ताव लेंगे और सबसे प्रस्ताव लेने के बाद उस प्रस्ताव को हम उस पैसे को हम खर्च करेंगे। उन्होंने गाइडलाइन की बात कही, हमने कहा गाइडलाइन के मुताबिक हम खर्च करेंगे। वो इस बात के लिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि आप केवल प्रस्ताव दे दीजिए, हम हवा में प्रस्ताव दे दें और हम इस बात के लिए फिर हमारे पास जो आज वीटो है कि प्रस्ताव हमारे मुताबिक तैयार होगा, हम उसके बाद उनसे ये बात करें। तो आज हम लोगों ने इस बात को कहा, दमदारी से कहा, उसका पर्याप्त खंडन नहीं कर सके वो लोग, लेकिन मानने को तैयार नहीं थे। कमलेश्वर पटेल जी कुछ ज़्यादा बोल रहे थे और मंत्री जी भी, हम लोग बहिष्कार करके चले आए हैं कि अगर ठीक है आप कलेक्टर और प्रभारी मंत्री कर लीजिए, हम आपको देखेंगे हाई कोर्ट में, विधानसभा में देखेंगे, हाई कोर्ट में देखेंगे। बहिष्कार किया आप लोगों ने? बहिष्कार करके आए हैं हम लोग, सभी लोग सांसद और सभी विधायक था। बहुत ज़बरदस्त रूप से सोन घड़ियाल के जो सोन नदी के आसपास का एरिया है, सोन घड़ियाल प्रोजेक्ट में है, उसको उसकी अवहेलना करते हुए प्रशासनिक मिलीभगत से रेत का उत्खनन हो रहा है। आपके माध्यम से भी मैं ये बात कह रहा हूँ, इसके अलावा मुझे कलेक्टर और एसपी को मैं पत्र भी लिख रहा हूँ इसके विषय पर, और आवश्यकता होगी तो विधानसभा में इसको उठाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर चर्चा में इस विषय को लाएंगे और भी आवश्यकता पड़ी तो प्रदेशव्यापी इस कांग्रेस की सरकार में जो अवैध रेत उत्खनन का मामला है उसको गंभीरता से हमारी पार्टी ने भी लिया है और प्रदेशव्यापी इस पर धरना आंदोलन किया जाएगा।